नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वंदना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायकों के द्वारा पाला बदलने का सिलसिला भी तेजी से हो रहा है। समधी चंद्रिका राय समेत पार्टी के 6 विधायकों ने पाला बदलने के बाद अब दो और लालू यादव के खास विधायकों के भी जेडीयू में जाने को लेकर अटकलें का बाजार गर्म है। आरजेडी के जिन दो विधायकों के जेडीयू में जाने की खबर है, उनमें से एक है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव तो दूसरी तरफ है लालू यादव के हनुमान यानी कि भोला यादव। हालांकि भोला यादव इसे अफवाह बता रहे हैं। शक्ति यादव का नीतीश कुमार के साथ जाना लगभग तय है और वह पिछले कई दिनों से जेडीयू के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर बुरे और अच्छे वक्त में लालू के साथ साया बनकर रहने वाले भोला यादव भी पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल शक्ति सिंह यादव बिहार के नालंदा जिले के हिलसा सीट पर प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ वो पिछले विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बने थे। इस सीट पर यादवों की अपेक्षा कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हार के डर से पहले ही ये वह नीतीश कुमार के साथ हो लेंगे। इसके लिए इलाके में जेडीयू और अति पिछड़ा का फैक्टर भी कारण माना जा रहा है। दूसरी ओर लालू के करीबी माने जाने वाले भोला यादव पर भी जेडीयू लगातार डोरे डाल रही है। कहा जा रहा है कि वो जेडीयू में जाने की सम्मति दे चुके हैं। हालांकि इस मामले पर जब भोला यादव से पूछा गया तो उन्होंने इस बात पर खंडन करते हुए बताया कि यह महज अफवाह है। मैं अभी भी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ हूं और राजद में हूं। मालूम हो कि लालू की पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह न केवल तेजस्वी और उनकी टीम से नाराज हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से भी पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में चुनावी साल में लालू की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती नजर आ रही है। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे लाइक करना जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो करें और हमारी खबरों को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।